दोस्त की बात है कि जो 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, इतने अनुभवी और वरिष्ठ नेता हैं हमारे देश के, मणिपुर के, और जो प्रमुख पार्टी की ओर से, प्रमुख विपक्षी पार्टी की ओर से बैठक में मौजूद हैं, 3 घंटे के समय में उनको मुश्किल से 7 मिनट दिया गया। बड़ी अफसोस की बात है। अगर कोई मणिपुर को जानता है वो बोबी सिंह जी हैं, 15 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 3 बार चुनकर आए हैं, अभी भी वो एमएलए हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, सरकार चलाई है मणिपुर को। मणिपुर 2001 में जल रहा था, जून के महीने में, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तब जल रहा था। उसके बाद मणिपुर अमन, शांति, सद्भावना, विकास के रास्ते पर लौट आया। उसका एक कारण है, प्रमुख कारण यह है कि इबोबी सिंह जी ने 15 साल वहां स्थिर सरकार दी, और उनको 3 घंटे के समय में, 3 घंटे के बैठक में सिर्फ मुश्किल से 7-8 मिनट देना, मैं समझता हूं बड़ी अफसोस की बात है, और ये बहुत अपमानजनक भी है, न केवल हमारे पार्टी को बल्कि हमारे एक वरिष्ठ और अनुभवी साथी और नेता को भी। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, लगातार 52 दिन हुए हैं 3 मई से हम मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस पर कुछ होने। तो हमारा पहला बिंदु जो है, जो इबोबी सिंह जी ने भी आज उठाया, जैसा कि उन्होंने आपको कहा है, कि पहली बात यह है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।